भागवत में अनेक संतों ने प्रश्न उठाया, आखिर ये है किसका? मां कहती है मेरा है, डॉक्टर कहते हैं मेरा है, पिता कहते हैं मेरा है, स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं मेरा है, समाज कहते हैं कि ये हमारा आदमी है, जिस ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस का मालिक कहते हैं ये मेरा आदमी, मेरा नौकर है। और उसके बाद जब विवाह होता है तो पत्नी कहती है मेरा आदमी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा पति है। देखिए कितने लोग अब तक तो एक ही पक्ष वाले मेरा मेरा करते थे, विवाह होने के बाद ससुर पक्ष वाले ये हमारा दामाद है, ये मेरा है, आखिर ये है किसका? बच्चे होते हैं तो बच्चे कहते ये मेरा पिता है। अनेकों दृष्टांत से देख सकते हैं कि सब लोग कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन शमशान के लकड़े बोलते हैं कि आप सब लोग मेरा मेरा करो, अंत में तो ये मेरा होने वाला है। यदि मुसलमान परिवार में जन्म हुआ तो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े कहते हैं आप लोग मेरा मेरा कर लो, अंत में तो हमारा भोजन बनने वाला है। आकाश में उड़ने वाले गिद्ध कहते हैं आज भले मेरा मेरा करो, परंतु अंत में तो ये हमारा भोजन होने वाला है। अतः भक्तों, जन्म से लेकर अंत तक यह देह पराया है, पारकस्य ही देहस्य युधिष्ठिर महाराज, सदा के लिए यह शरीर पराया है, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, कलयुग के जीवों का अज्ञान तो देखो, सदा के लिए पराया रहने वाला यह शरीर को कितना सजाते हैं, रात दिन इस शरीर के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, जो पराया है, जो कभी अपना साथ नहीं देने वाला है, सुबह से लेकर शाम तक ब्रश कराते हैं, स्नान कराते हैं, शैंपू लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, भोजन कराते हैं, रात दिन इस शरीर के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु एक न एक दिन यह शरीर छूटने वाला है, शरीर काम में नहीं आएगा। अतः शरीर के लिए मेहनत न करते हुए हमें शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा के लिए प्रयास करना चाहिए। भागवत के प्रारंभ में ही 88,000 मुनियों का प्रश्न था, संसार में सब लोग दुखी क्यों हैं और दुखी लोगों को सुखी करने के लिए क्या करना चाहिए? इस संसार में सब लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि जो देह हमारा है नहीं, हमारा रहने वाला नहीं है, उस देह के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु वास्तव में हम जो हैं भक्तों, ये शास्त्र का सर्वप्रथम सबसे पहला ज्ञान है कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। भारत भूमि में जन्म लेकर यदि इस बात को नहीं जानते हैं तो भारत में रहने वाले उस पुरुष को धिक्कार है जो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रखता है। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल, अनेकों प्रमाण से इसे समझा जा सकता है। कई बार हम इस बात को समझाते हुए कहते हैं यदि आपको समझना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कीजिए, मैं आपको पूछूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप कहां से सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो? अपने कान, कुछ लोगों ने मुझे इशारा किया कान के माध्यम, पक्का कान से ही सुन रहे हैं ना, कि और कोई इंद्रियों से सुन रहे हैं? कहां से सुन रहे हैं? कान से। यदि मैं कहूं आप मुझे कहां से देख रहे हो, कहां से? इतना भी नहीं पता है? आंखों से।
यदि आप ये दावा करते हो कि हम कान से सुन रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं, तो क्या मरने वाले व्यक्ति के पास कान नहीं है? मरे हुए व्यक्ति के पास आंख नहीं है? यही आंख है, यही कान है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मर गया है, न तो वह देख सकता है न सुन सकता है। कुछ बुद्धि चल रही है, दिमाग की खिड़की खुल रही है? जब हम ये कहते हैं कि हम कान से सुन रहे हैं, तो मरने वाले के पास कान है, आंख है, मुख है, परंतु न तो वो बोलता है, वह न देखता है, न सुनता है। कारण क्या है? कारण ये मात्र आंख, कान, जीवा, ये तो इंद्रिय है। इस इंद्रियों को चलाने वाला मुख्य तत्व आत्मा जो शरीर के हृदय में बैठा है, वह निकल गया है। अतः वास्तव में देखने वाला, सुनने वाला, एहसास करने वाला आत्मा है, और वह आत्मा और कोई नहीं, हम लोग स्वयं हैं। वी आर अ सोल। आज तो कुछ लोग आत्मा का नाम सुनकर डर जाते हैं, आत्मा भूत की सीरियल आती है। परंतु इतना सोचिए, आत्मा और कोई नहीं, हम सब लोग आत्मा ही है। बस कुछ समय के लिए हमें यह शरीर मिला है, हम लोग आत्मा है। आत्मा को यह शरीर प्राप्त होता है। और एक दृष्टांत से आप समझ सकते हो, जब किसी के घर पर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कहा जाता है, पेपर में आता है, फलाने भाई स्वर्ग में चले गए, स्वर्गवास हो गया। फिर हम लोग जाते हैं वहां पर, बहुत लोग रोते हैं, उनकी पत्नी तो बहुत रोती है। हम पूछते हैं, क्या हुआ? बोले, चले गए। यदि हम लोग दावा करें, कहां चले गए? सामने तो लेटा हुआ है, लाश पड़ी है। यदि हम कहें कि रो क्यों रहे हो, तुम जिसके लिए रो रहे हो तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है। नहीं, वो चले गए। अरे कहां चले गए? वजन करके देखो, आधा किलोग्राम भी कम नहीं हुआ होगा, उल्टा बढ़ गया होगा। वही आंख है, वही हाथ है, वही पांव है, वही जीवा है, सब कुछ वही है, फिर भी क्यों रो रहे हो और कह रहे हो चले गए, चले गए? भक्तों, बस इतनी सी घटना के ऊपर थोड़ा सा विचार करो, शास्त्र का तत्व आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन आज इतना सोचने के लिए वक्त किसके पास है? कल इतना सोचो कि मरे हुए व्यक्ति को हम कहते हैं वो चले गए। भक्तों, हम सत्य कहते हैं चले गए, क्यों? क्योंकि उस पंच महाभूत के देह में रहने वाला वास्तविक जो हमारा हितेशी था, वह आत्मा चला गया। इसका अर्थ यह है कि हम यह शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं। जब इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, तब यह शरीर यहां मिट्टी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, कि हम आत्मा हैं। कुछ समय के लिए हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, परंतु संसार में अज्ञान होने के कारण संसार के लोग अपने शरीर को ही स्वयं मान बैठते हैं, अपने शरीर को ही मैं मान बैठते हैं, और इस शरीर के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। सोचते हैं, आज नई फिल्म लगी है, मैं देखने जाऊंगा, आंखों को सुखी कर दूंगा। आज नई होटल खुली है, वहां जाऊंगा, जीवा तृप्त हो जाएगी, फिल्म का एक गाना सुनूंगा, सुखी हो जाऊंगा। रात दिन इस शरीर को सुखी करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुए, क्योंकि हमने रात दिन मेहनत तो की, प्रयास तो किया, परंतु इस शरीर के लिए, जब तक इस शरीर में रहने वाले आत्मा के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। संतगण बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति के घर पर एक तोता था जो पिंजरे में बंद था। एक दिन वो तोता रोने लगा, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तोता लोहे के पिंजरे में है, इसलिए रो रहा है, चांदी का पिंजरा बना दूंगा। व्यक्ति ने चांदी का पिंजरा बनाया, तोते को अंदर रखा, लेकिन फिर भी तोता रोता रहा। ध्यान से सुनिएगा,
तब उस व्यक्ति ने सोचा कि इस तोते को सोने के पिंजरे में रखूंगा तो खुश हो जाएगा। सुनार के पास गया, सोने का पिंजरा बनाया, तोते को सोने के पिंजरे में रखा, लेकिन फिर भी तोता उतना ही रोता रहा। फिर व्यक्ति ने सोचा, हीरे जवाहरात जड़े हुए पिंजरे में तोते को रखूंगा, तोता सुखी हो जाएगा। हीरे जवाहरात लगाए गए, लेकिन फिर भी तोता रोता रहा। भक्तों, जिस प्रकार से वह तोता रो रहा है, वही हालत हमारी है। वह तोता रो रहा है और उस तोते को सुखी करने के लिए बाहर से कितने भी पिंजरे को बदल दो, जब तक उस तोते को भोजन नहीं दिया जाएगा तब तक वह तोता सुखी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार बाहर से शरीर को कितना भी सजा लो, जब तक शरीर के अंदर रहे हुए आत्मा के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक हम नित्य सनातन काल के लिए सुखी नहीं हो सकते, परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। अतः आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। और सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। आत्मा का सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वह है परमात्मा की सेवा करना। क्योंकि भक्तों, ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। इस संसार में जितने भी आत्माएं हैं ये परमात्मा का अंश है। अतः आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है परमात्मा की सेवा करें। परंतु आज आत्माओं का धर्म क्या हो गया है? अपने शरीर की सेवा करना है। शरीर को भोजन मस्त रखो, चार दिन की चांदनी खा पी कर ऐश करो, मर जाएगा, नरक में जाएगा। परंतु लोग भविष्य नहीं देख रहे हैं, मात्र वर्तमान, और चार दिन की चांदनी में वो समझ रहा है मैं सुखी हूं। लेकिन व्यक्ति संसार के भोग भोगतने में भी कितना दुखी है तो परमात्मा जानते हैं। संसार के भोगों में भी सुख नहीं है। आज इस संसार में सबसे बड़ा सुख काम वासना को कहा जाता है। आज एक व्यक्ति को विवाह करने के लिए है कितना दुख, कितनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार शरीर के लिए मेहनत न करते हुए आत्मा के लिए कुछ करना होगा। क्योंकि यह शरीर तो यहीं पर छूट जाएगा। शरीर के जो संबंधी हैं, इस शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो तो यहीं पर रह जाएंगे। केवल आत्मा अकेला जाता है। एक सेठ थे, उस सेठ की चार पत्नी थी। सबसे छोटी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात, उसे कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 10 दिन के बाद तुम मरने वाले हो। अब सेठ को चिंता हुई, वे गया अपने सबसे छोटी पत्नी के पास। बोले, प्रिये, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं, मुझे 10 दिन के बाद इस संसार को छोड़कर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस नई पत्नी ने तो टके से जवाब दे दिया, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं, मुझे तो कोई भी रख लेगा। सेठ बेचारा दुखी हो गया। वो सेठ अपनी दूसरी पत्नी के पास गया। बोले, प्रिय, तुम्हारे साथ मैंने विवाह किया, हम लोग इतने साल साथ में रहे, अब मैं मुझे जाने का समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब उस दूसरी पत्नी ने कहा, हाँ, क्योंकि हम दोनों साथ में रहे हैं अतः मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, परंतु केवल घर के दरवाजे तक, दरवाजे के बाहर मैं नहीं निकलूंगी। सेठ दुखी हो गया। तीसरी पत्नी के पास गया। बोले, मुझे जाना है, क्या तुम मेरे साथ? कभी उनके पास गए नहीं, कभी उनका हाल चाल नहीं पूछा, ख्याल नहीं रखा। आज जब तीनों पत्नी ने ना कह दिया तब सेठ
उस अपनी सबसे पुरानी पत्नी के पास गए। कई दिनों के बाद मिले और कहा कि देवी मैं जा रहा हूं और मेरे साथ कोई आने तैयार नहीं है, तुम मेरे साथ चलोगी? अब सेठ ने सोचा, जिन पत्नियों को मैंने रात दिन रखा, जिनके लिए मैंने मेहनत प्रयास किया, वो लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं, तो ये क्यों आएगी? क्योंकि इसके लिए तो मैंने आज तक कुछ नहीं किया। फिर भी चलो ना, पूछ लो। पूछा तब उस पत्नी ने इतना ही कहा, पतिदेव मैं तो सदा सदा के लिए आपके साथ ही तो हूं। मैं भूतकाल में आपके साथ थी, वर्तमान में आपके साथ हूं, और जहां जहां आप जाओगे वहां वहां मैं आपके साथ ही रहूंगी। तकलीफ तो आपको थी कि आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं। भक्तों, वास्तव में ये वह सेठ और कोई नहीं, वे सेठ हम लोग ही हैं, और वह चार पत्नी और कोई नहीं। ध्यान से सुनिए, वह चार पत्नी में पहली पत्नी हमारा धन है। आज हम धन को रात दिन संवारते हैं, रात दिन उस धन के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब धन क्या कहता है? तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो कोई भी रख लेगा। और होता ही धन को तो सब लोग मरने से पहले ही बच्चे लोग बंटवारा कर देते हैं, कोई भी रख लेता है। भक्तों, दूसरी पत्नी और कोई नहीं, इस संसार में जिसके साथ हमारा विवाह हुआ है वह दूसरी पत्नी कहां तक साथ देती है? धन तो मृत्यु आने से पहले ही छूट जाता है, और जिसको हम और आप पत्नी मानते हैं वह मात्र घर के द्वार तक साथ देती है, आगे चलती नहीं है। और तीसरी पत्नी ने क्या कहा था? चिता तक साथ दूंगी। वह तीसरी पत्नी हमारा शरीर है, चिता तक साथ देती है, चिता में जलकर राख हो जाती है, परंतु चौथी पत्नी जो है वो हमारे साथ रहने वाले परमात्मा है, जो सदा सदा के लिए हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि जो परमात्मा सदा के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं उनकी ओर हम देख नहीं रहे हैं, और जो हमारा है नहीं, जो हमारा होने वाला नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, बस उसी में हम लोग रचे पचे, धन में, पुत्र में, परिजन में, जो कभी हमारा नहीं रहने वाला। पारकस्य देहस्य, ध्यान रहे मैं इस शब्द पर बोल रहा हूं, जो सदा के लिए दूसरे का है, पराये का है, उस पराये शरीर के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, और अंत में यह शरीर राख हो जाएगा। भक्तों, यह शरीर राख होने से पहले भगवान के धाम में जाने का रास्ता तय कर लेना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने घर को छोड़ने से पहले किसी दूसरा घर तैयार रखे। आज कुछ लोग भाड़े के मकान में रहते हैं, ये शरीर भी भाड़े का मकान है। जब भाड़े का एग्रीमेंट समाप्त होता है, अंतिम महीना चल रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत दूसरा मकान देखकर रखता है कि जैसे ही एग्रीमेंट समाप्त होगा तो दूसरे मकान में पहुंच जाए। ये बुद्धि तो सब में, परंतु इतना तो विचार करो, आज हम हमारे भाड़े के मकान को छोड़ने से पहले दूसरा मकान तैयार करके रखते हैं, परंतु ये शरीर भी ये भाड़े का मकान है, इस शरीर को छोड़ने से पहले हमें हमारा दूसरा मकान तैयार करके रख लेना चाहिए। दर दर भटर दर भटकना पड़ेगा, रोड पर आ जाओगे। मरने से पहले मरने की तैयारी नहीं की तो मरने के बाद नरक में चले जाएंगे, अनेक प्रकार की यातनाएं भोगतेंगे, अतः मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आज इस संसार में मरने की तैयारी कोई नहीं कर रहा है। जीवन में जो सबसे बड़ा सत्य है, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु।
जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं, जीवन में जो चीज कभी नहीं होने वाली, हम लोग जीवन में कभी करोड़पति नहीं बनने वाले, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक करोड़पति बनने का प्रयास सब लोग करते हैं। मैं पैसा वाला बन जाऊं, हम लोग कभी अमेरिका नहीं जाने वाले, परंतु सब लोग सोचते हैं हम जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अमेरिका जाओ या न जाओ, करोड़पति बनो या न बनो, परंतु मृत्यु तो अपने जीवन में अवश्य आएगी। आश्चर्यमयी बात तो देखिए, जो चीज जीवन में होने वाली है उस वस्तु के लिए कोई नहीं सोच रहा है, और जो जीवन में कभी नहीं होने वाला है उस वस्तु के लिए लोग रात दिन सोचते हैं और मेहनत करते हैं। मृत्यु के लिए सोचना चाहिए। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। हम लोग कहते हैं ना, सात अजायब भी, ताजमहल भी एक, अरे ये कोई आश्चर्य नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, रोज प्रति सेकेंड प्रति मिनट संसार में करोड़ों करोड़ों लोग अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जा रहे हैं, कहां, यमराज के दरबार में। एक दिन में हजारों लोग मर रहे हैं, हमसे जो बड़े थे वो मर गए, हमसे छोटे भी एक्सीडेंट में मर रहे हैं, हमारे ऊपर रहने वाला मरा, नीचे रहने वाला मरा, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, शेषा स्थावरनी इच्छन्ति किम आश्चर्यम यतः परम, सब लोग मरे जा रहे हैं लेकिन संसार में रहने वाला मनुष्य एक बार भी यह नहीं सोचता है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना है, और मरने के बाद क्या होगा, कहां जाऊंगा। अतः मरने की तैयारी करनी चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, और जो दिन हमारे जीवन में निश्चित आने वाला है मरने की तैयारी करें, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। और यदि मृत्यु को सुधारना है, परीक्षित महाराज ने अपने मृत्यु को सुधार दिया, अपने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अरे ध्रुव महाराज ने मृत्यु के मस्तक पर पांव देकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। इसे कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। मरे तो ऐसे मरे दुनिया के लोग देखते रह जाए, और हंसते हंसते इस देह को त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त करे। परंतु यह करने के लिए आज से अभी से भगवान की भक्ति करनी होगी, परमात्मा के लिए परमात्मा का चिंतन श्रवण और कथन करना होगा, भक्ति करनी होगी। संसार में भगवान की भक्ति न करते हुए रात दिन धन एकत्रित करने में, रात दिन धन के पीछे पड़े रहते हैं। एक संत ने बहुत सुंदर कहा, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, आजकल लोग जब बहुत पैसे हो जाते हैं तो उस पैसे की हीरे मोती बना लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, परंतु याद रखो कफन में जेब नहीं होती। जीवन का अंतिम कफन, अंतिम वस्त्र जब हमारे शरीर पर चढ़ेगा, उस कफन में जेब नहीं। अभी तो 6 पॉकेट बना लो, 8 पॉकेट बना लो, जितना बनाना है उतना बना लो, लेकिन उस समय संसार की संपत्ति वहां काम में नहीं आती है। वहां पर आप कहोगे भगवान के दरबार में, मैंने मेरे जीवन में बहुत प्रयास किया, मेहनत की, करोड़ों कमाए, भगवान कहेंगे तेरे करोड़ों रुपए से मुझे कोई मतलब नहीं है, बता तूने मेरी कथा कितनी सुनी, बता तूने मेरा नाम कितना लिया। और यदि वास्तव में हमने भगवान की कथा सुनी है, भगवान का नाम लिया है,
तो भगवान के सामने शान से कहेंगे, प्रभु हमने तो आपका भजन किया है, हम तो आपके चरणों में। परंतु जो लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, उसे भगवान के सामने जाने का अवसर ही नहीं आता है, वो केस यमराज जी संभाल लेते हैं। भगवान के सामने विनंती करने का भी चांस नहीं है, उसका सारा जिम्मा यमराज जी ने लिया है। भगवान ने यमराज जी को कहकर रखा है, जीवान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतस न स्मरति यत चरणार विंदम। जो अपनी जीवा से भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करता, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता, यमराज जी उसे पकड़ पकड़ कर नरक में लेकर जाओ, बहुत पीटो, सालों को मारो, दंडित करो। क्योंकि जो कार्य करने के लिए, जिस भजन करने के लिए मनुष्य जीवन दिया, उस मनुष्य जीवन प्राप्त करके मात्र भोग भोगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ये बात शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि देवी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, मनुष्य जीवन प्राप्त करके हृदय में राम और कृष्ण की भक्ति नहीं, जीवन शव समान सो प्राणी, उसका जीवन जिंदा लाश के समान है, वह मुर्दा है, मरा हुआ है। अतः व्याख्या को विराम करते हुए है, यह है इस्कोन का भागवत, यह है इस्कोन की कथा, इसे कहते हैं भागवत की गहराई में जाना। प्रहलाद महाराज ने भजन किया, नरसिंहदेव भगवान को याद किया, खंभा फाड़कर नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए, बोले नरसिंहदेव भगवान की जय। ये कथा नहीं है, कथा तो उसे कहते हैं जिसकी गहराई में जाया जाए। भागवत के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक चरण, प्रत्येक अक्षर में भगवान को भरा गया है। एक एक शब्द की व्याख्या वर्षों तक की जा सकती है। अतः यथा मति यथा बुद्धि, इतना ही समझिए, युधिष्ठिर महाराज अफसोस कर रहे हैं, पारकस्य देहस्य, ये शरीर पराया है, और पराये शरीर के लिए बहवो अक्षोणी हता, मैंने बहुत बहुत अक्षोणी सेना का विनाश कर दिया। अब देखिए युधिष्ठिर महाराज की मूर्खता। वैसे तो बुद्धिमानी की बात की है कि ये शरीर पराया है ना, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये शरीर पराया है। अब हम युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि महाराज, यदि ये शरीर पराया है तो पराये शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो? जो व्यक्ति मोहित हो गया है ना, उसकी बातें ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं। वे बता रहे हैं पारकसीते से, ये शरीर पराया है लेकिन खुद उसी शरीर के संबंधियों के लिए रो रहे हैं, मेरे चाचा मर गए, मामा मर गए। जीवन में उस व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है जो अपने मुख से बोले और उसका आचरण अपने जीवन में स्वयं करे। संसार में बस आज कलयुग के वक्ता कैसे हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं कि गरुड़, कलयुग में मात्र नाम के वक्ता रहेंगे, नृप पाप परायण धर्म नहीं। एक समय ऐसा आएगा गरुड़, कलयुग में राजाओं में धर्म नहीं रहेगा, संतान अपने माता पिताओं की बात तब तक ही मानेंगे जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए जल्दी मत करना विवाह, जल्दी मत कराना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण के अंत में काकभूषण जी गरुड़ जी को कलयुग का वर्णन करते हुए भविष्यवाणी करते हैं, कलयुग की संतान तब तक माता पिता की आज्ञाकारी रहेगी जब तक वो विवाह नहीं करेंगे। करी दंड विडंब प्रजा नित ही, और कलयुग में भयावह दुष्काल हो जाएगा, वर्षा नहीं होगी। और फिर उसी क्रम में कहते हैं गरुड़,
कलयुग के साधु संत बहुत धनी हो जाएंगे और गृहस्थी गरीब हो जाएंगे। साधु संत बोलेंगे, वैराग्य की बात करेंगे, परंतु पर्दे के पीछे अपनी जेब भरते रहेंगे, चंद पैसों के लिए रामायण और भागवत को बेचते रहेंगे। इस संसार में जो व्यासपीठ के ऊपर बैठकर वैराग्य की बात करता है और भागवत बोलने के लिए पैसा लेता है, वो आचार्य नहीं है, उनका आचरण नहीं है। हम जो बोलते हैं उसका पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। साक्षात भगवान कहते हैं, यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। आपने कभी गधे को देखा है? मेरा प्रिय पशु है, क्योंकि किसी को समझाने में बहुत काम में आता है। गधा जो है बहुत वजन ढोता है, बहुत वजन उठाता है। कभी कभी उस गधे के ऊपर चंदन रखा जाता है। आज तो आप लोग चंदन की भाषा नहीं समझोगे, इसलिए मैं थोड़ा बदल देता हूं। मान लो किसी गधे के ऊपर 46 इंच का एलसीडी टीवी जो आपके सामने है रखा जाए, होम डिलीवरी करनी हो किसी दुकान वाले को, तो ये 46 इंच का एलसीडी टीवी गधे की पीठ पर रखा जाए और डिलीवरी करने के लिए चले जाए। यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु टीवी यस्य। वह गधा जो है उस टीवी का भार महसूस करेगा कि कुछ है, लेकिन उस टीवी की महिमा को नहीं जानता है कि इसमें इतनी चैनल होती है, इसमें जी टीवी होता है, एम टीवी होता है। गधे को मात्र भार महसूस है, उसकी वैल्यू नहीं पता। तथाच विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता। उसी प्रकार संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र के मंत्र को, श्लोकों को जानते हैं, परंतु उनमें से एक श्लोक भी उनके जीवन में नहीं उतरा है, तो व्यक्ति उस गधे की तरह है, मात्र शास्त्र का भार ढो रहा है, शास्त्र की महिमा को नहीं जानता। मत भक्ति हीनो खरवत वदंती, भगवान कहते हैं शास्त्र पढ़कर भी मेरी भक्ति नहीं करने वाला खरवत उस गधे के समान। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, देह पराया है और खुद पराये देह के लिए रो रहे हैं, और कहते हैं कि पराये देह के लिए, ओह, मैंने अनेकों अक्षौणी सेना का विध्वंस कर दिया। भक्तों, महाभारत के उस भीषण युद्ध में स्वागत, 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ था। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना का विध्वंस हुआ। शिपा श्रीधर स्वामी लिखते हैं, एक अक्षौणी सेना में कितने लोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, एक एक रथ पर चार चार घोड़े, 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। अतः कुल मिलाकर 2,18,700 मिलाकर एक अक्षौणी सेना होती है। 2,18,700 जब मिलते हैं तब एक अक्षौणी सेना होती है। ऐसी 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र की भूमि में विनाश हुआ था, विध्वंस हुआ था। युधिष्ठिर महाराज अफसोस कर रहे हैं कि मेरे मोह के कारण, एक तुच्छ राज्य के लोभ के कारण मैंने इतनी सेना का विध्वंस कर दिया। बाल द्विज, अरे मेरे कारण, अगले श्लोक में कहते हैं, मैंने बालकों को, ब्राह्मणों को, मेरे सुहद को, मित्रों को, भातृ पितु गुरुद्वह, यहां तक मैंने मेरे गुरु द्रोणाचार्य तक को मार डाला। अतः मैं बालकों का हत्यारा हूं, ब्राह्मणों का हत्यारा हूं,
मित्र का हत्यारा हूं, गुरु का हत्यारा हूं। अतः मेरे जैसे व्यक्ति को नमे स्याद निरयन मोक्षो, निरयन का अर्थ है नरक, निश्चित में नरक में गिरूंगा। और नरक में गिरकर भी यपि वर्षा युता युते करोड़ों करोड़ों वर्ष के बाद भी नमे सात मोक्षो, मेरा मोक्ष कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने मित्रों से, ब्राह्मणों से, बालकों से द्रोह किया है। मानो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहे, युधिष्ठिर महाराज आप चिंता मत करें, धर्म युद्धे न दोष इति चेद तत्र आह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कृष्ण ने कहा कि धर्म युद्ध जब हो रहा हो और यदि उसमें किसी की मृत्यु भी हो जाए तो मृत्यु होने पर पाप नहीं लगता है। धर्म युद्ध में विपक्ष के शत्रु को मारने पर पाप नहीं लगता है। तब युधिष्ठिर महाराज तर्क देते हैं, नैनो राज्ञ प्रजा भर्तु। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे कृष्ण, आप ये जो बात कर रहे हो कि राजा को युद्ध करते हुए यदि कोई मर भी जाए तो पाप नहीं लगता है, ये बात सत्य है, मैं मानता हूं, परंतु ये बात किस राजा के लिए है? बोले, प्रजा भर्तु, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध करे और उस युद्ध में वधो द्विषाम, अपने शत्रुओं का वध करे, अपनी प्रजा का रक्षण करने के लिए अन्य शत्रुओं का वध करे तो उस राजा को दोष नहीं लगता है। तो दुर्योधन अपने आप को राजा समझ रहा था और अपने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए दुर्योधन ने युद्ध किया, अतः दुर्योधन को कोई दोष नहीं, परंतु मैं, इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वच। दुर्योधन ने अपनी प्रजा के लिए युद्ध किया, अतः दुर्योधन को कोई दोष नहीं, परंतु मैं, युधिष्ठिर, मैंने अपनी प्रजा का रक्षण करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो राजा था ही नहीं, मेरी तो कोई प्रजा थी ही नहीं, मैंने तो एक राज्य के लोभ में युद्ध किया, मैंने तो राज्य प्राप्त करने के लिए, मेरे लिए युद्ध किया, अतः मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा, मेरा नरक से कभी छुटकारा नहीं होगा, मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मानो भगवान कहे कि ठीक है महाराज युधिष्ठिर, आपने शत्रुओं को मारा, आपको पाप भी लगा, मैं मानता हूं, लेकिन शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति पाप करे और पाप करने के बाद अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करे, अश्वमेघ यज्ञ करने से वो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज तर्क के ऊपर तर्क देते जा रहे हैं। भक्तों, वैसे देखा जाए तो तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क का कभी अंत नहीं आ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जे श्रुति करी तर्का ते सद्य पर ही नरका। जो श्रुति और शास्त्र के ऊपर तर्क करता है वो सीधा नरक में जाता है। स्नेह और मोह के वश में होकर युधिष्ठिर महाराज तर्क दे रहे हैं। तर्क भी बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा अश्वमेघ यज्ञ करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, बात ठीक है, लेकिन वो छोटे मोटे पापों से मुक्त हो जाता है, मैंने तो बहुत बड़े पाप किए हैं, स्त्रीनाम मतवगत बंधु नाम। कहते हैं, स्त्रियों में मत मेरे कारण, मेरे बंधुओं को मैंने जो मारा है और उस स्त्रियों के पति मेरे हाथों से जो मर चुके हैं, उस स्त्रियों के पतियों को मारने से स्त्रियों की जो मुझे हाय लगेगी, उस स्त्रियों के हाय से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, उस स्त्री का दुख कभी भी, उस स्त्री का पाप मुझे कभी भी मुक्त नहीं कर पाएगा। कर्म भी गृह में दिए नाह कल्पो व्यपोहितुम। उस स्त्री को दुखी करने से
मैं कितना भी गृहस्थी में रहकर कर्म करूं, यज्ञ करूं, लेकिन मेरे कारण स्त्री का हृदय दुखा है। अतः इस गृहोचित कर्म करने से मैं स्त्री के दोष से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज आज बहुत अफसोस कर रहे हैं। भक्तों, युधिष्ठिर महाराज के जीवन से यह आचरण हमें भी सीखना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में पाप हो जाए तो पाप के बाद प्रायश्चित होना चाहिए। जब भागवत के पंचम स्कंद में के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया, महाराज परीक्षित उस नरक के वर्णन को सुनकर कांप गए और तुरंत परीक्षित महाराज ने कहा, बस महाराज अब नरक का वर्णन बंद करो। अधुनेह महाभाग यथेव नरका नरतना न इयात तन्मे व्याख्या तुम रहसी। अब नरक का वर्णन मत करो, अब मुझे ये बताओ कि नरक में जाने से लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि पाप करने वाले को नरक में जाना ही पड़ रहा है, तो जगत में ऐसा कोई नहीं है जो पाप न करता हो। हम सब लोग कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पाप कर ही लेते हैं। हम जब चलते हैं तो हमारे पांव के नीचे अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। हम जब गर्म पानी से स्नान करते हैं, गर्म पानी जब वह नाली में जाता है, नाली में रहने वाले जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। माताएं जब भोजन पकाती हैं तो उस अग्नि में अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। झाड़ू मारने में, मसाला पीसने में अनेकों जीव मर जाते हैं। न चाहते हुए भी गृहस्थी में रहने वाले कहीं ना कहीं पाप कर ही लेते हैं। परंतु आज तो संसार में देखा गया है, कुछ लोग रच रच कर पाप कर रहे हैं। तो ऐसे पापियों को नरक में जाने से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसके लिए एक ही उपाय है। नचेत एवा पचितिम यतामंस कृतस्य कुरियान मनोक्त पाणी भी ध्रुवम सवे प्रेत्य नरकानुपेति यह कीर्तिता भवत स्मिग्न यातना। इस संसार में जो व्यक्ति पाप करता है, वह पापी व्यक्ति मरने से पहले अपने पाप का प्रायश्चित कर ले तो वह नरक में जाने से बच सकता है। भक्तों, प्रायश्चित का दूसरा नाम है पश्चाताप, और पश्चाताप का अर्थ है पश्य माने बाद में, ताप माने जलना। पाप मान लो अज्ञान में भूल से पाप हो जाए और पाप होने के बाद हमारा हृदय यदि जले, दुख हो, अफसोस हो, तो उसे पश्चाताप प्रायश्चित कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज प्रायश्चित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने बहुत पाप किया है, मेरे कारण बहुत हत्या हो गई है, और आप कह रहे हो अश्वमेघ यज्ञ करने से या गृह उचित कर्म करने से तुम पापों से मुक्त हो जाओगे या पुण्य करने से पापों से मुक्त हो जाओगे। केशव, कृष्ण, इस संसार में जो व्यक्ति पाप करता है उसे पाप का फल भोगतना पड़ता है, पुण्य करता है उसे पुण्य का फल भोगतना पड़ता है। पुण्य के द्वारा पापों को काटा नहीं जा सकता है, शास्त्र का सिद्धांत है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमसे पाप हो गया अब हम लोग पुण्य कर लेंगे, तो पुण्य कोई रबर नहीं है जिसे पाप को घसीटा जाए। जब हम पाप करते हैं और पुण्य भी करते हैं तो पाप का भी फल मिलेगा और पुण्य का भी फल मिलेगा। दृष्टांत के साथ कहते हैं, यथा पंकेन पंकांब सुरवा या सुराकृतम। महाराज युधिष्ठिर बहुत सुंदर बात कहते हैं, यथा पंकेन, यदि हमारे वस्त्र मिट्टी से बिगड़े हुए हो तो मिट्टी से बिगड़े हुए वस्त्र को मिट्टी से धोया नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार पाप करना एक कर्म है और पुण्य करना भी एक कर्म है, तो एक कर्म के द्वारा दूसरे कर्म को काटा नहीं जा सकता है। मिट्टी के द्वारा मिट्टी को धोया नहीं जा सकता है। और दूसरा दृष्टांत देते हैं, सुरवा वा सुराकृतम। मान लो यदि किसी के मुख में थोड़ी सी शराब स्पर्श हो गई तो शराब के दोष से, शराब स्पर्श होने के दोष से मुक्त होने के लिए
यदि कोई कहे कि मैं एक बोतल पी लूंगा तो शराब पीने से शराब के दोषों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पुण्य करने से हम पाप से बच नहीं सकते हैं, हमें पाप का भी फल भोगतना होगा और पुण्य का भी फल भोगतना होगा। कर्मणा कर्म निहारो न हात्यंतिक इष्यते, इस बात को उदाहरण के साथ समझ सकते हो। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत पाप किया, बहुत पाप किया और पाप करने के कारण मरने के बाद वह कुत्ता बना, लेकिन साथ ही साथ उसने बहुत पुण्य भी किया था। कुछ लोग होते ना पूरी रात भर शराब पीते हैं और नशे में घर पर आते हैं, रिक्शा वाले को 10 रुपये के बदले 100 रुपये दे देते हैं, रख ले यार 1000 रुपये दे देते हैं ऐश करो। संसार में कुछ लोग हैं ऐसे, पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं। तो उस व्यक्ति ने बहुत पाप किया, पाप के फल स्वरूप कुत्ता बना, परंतु साथ ही साथ उसने बहुत पुण्य भी किया था। तब भगवान ने क्या किया, उससे कुत्ता तो बनाया लेकिन किसी अमीर व्यक्ति के घर का कुत्ता बनाया, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठता है, मर्सिडीज कार में घूमता है। ये जितने भी कुत्ते देख रहे हैं उसी प्रकार के कर्म करके आया है, नहीं तो गली का कुत्ता बना होता। तो शास्त्र का बहुत सुंदर सिद्धांत है, कड़ा सिद्धांत है, कर्म से कर्म को नहीं काटा जा सकता है। हां हमारे जीवन में किए गए बुरे कर्म को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चींटी से लेकर इंद्र तक सबको अपने अपने कर्म का फल भोगतना ही पड़ता है, परंतु एक वस्तु ऐसी है जिसके द्वारा हमारे जीवन में बुरे से बुरे कर्म भी क्यों न हो उसे जड़ मूल से उखाड़ा जा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भगवान श्री कृष्ण और राम की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, ऐसा कर्म है जिस कर्म के द्वारा हम बड़े से बड़े पाप को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही हमारे कर्म कट सकते हैं, अन्यथा उस कर्म को भोगतना ही होगा। कितने भी ज्योतिषी के पास जाए, कितना भी जाप कराए, हमारे कर्म की सजा हमें ही भुगतनी होगी। यदि उस कर्म की सजा से मुक्त होना चाहते हैं तो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के द्वारा हम समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम प्रथम स्कंदे अष्टम अध्याय समाप्त है। 8वां अध्याय समाप्त हुआ और 9वें अध्याय का प्रारंभ करते हुए श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, इस 9वें अध्याय में युधिष्ठिराय भीष्मेण सर्वधर्म निरूपणम। अब अगले अध्याय में पितामह भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सभी धर्म का उपदेश दिया जाएगा। दूसरी बात, पितामह भीष्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर स्तुति की जाएगी। और तीसरा, इसी अध्याय में पितामह भीष्म भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म भगवत धाम सिधारेंगे। सुत गोस्वामी कहते हैं, श्री सुत उवाच, इति भीत प्रजा दोहात सर्वधर्म विविदसया। इस प्रकार, इति माने जो गत अध्याय में समझाया गया, इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझाया गया परंतु नहीं माने। और प्रजा द्रोहात, प्रजा का द्रोह करने के कारण, प्रजा के प्रति अपराध करने के कारण युधिष्ठिर महाराज इति भीत, भीत माने भयभीत, डरे हुए थे। प्रजा से द्रोह करने के कारण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बहुत भय था, डर था। और अतः सर्व धर्म विविदसया, युधिष्ठिर महाराज अपने हृदय में सभी धर्मों को जानने की जिज्ञासा कर रहे थे। सोचते थे कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो अब मुझे सभी धर्मों को जानना है, क्योंकि अज्ञान से मुक्त होना है तो ज्ञान ग्रहण करना होगा। सर्व धर्म विविदसया, विविदसया का अर्थ होता है जिज्ञासा। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जिज्ञासा हुई और जैसे ही जिज्ञासा हुई वेदव्यास जी ने अध्याय बदल दिया।
क्योंकि अब तक युधिष्ठिर महाराज के अंदर जिज्ञासा नहीं थी, ये वेद व्यास और वो सब लोग उनके घर पे जा जाकर समझा रहे थे। तो जब कोई गुरु अपने से मेहनत करके किसी के घर पर जाए समझाए, वो मोह में है, माया में है, वो नहीं समझ सकता है। लेकिन जब किसी के हृदय में जिज्ञासा हो और वो चलकर अपने गुरु के पास जाए, तब गुरु का उपदेश उनके जीवन में आ सकता है। वही चीज होने जा रही है। अब युधिष्ठिर महाराज की स्थिति कुछ बदल रही है। अब युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जिज्ञासा हो रही है सर्वधर्म, सभी धर्मों को जानने की। ये जिज्ञासा का कारण भक्तों, वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों का सार ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का प्रथम मंत्र यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन मिला है, अतः सभी मनुष्य का अपने जीवन में सबसे पहला कर्तव्य है ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करे, भगवान के विषय में, आत्मा और परमात्मा के बारे में जाने। हम लोग अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, दुनिया भर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कभी सोचा अंदर क्या हो रहा है, आत्मा मन बुद्धि किस स्थिति में है? पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। जब तक अंदर की बात को नहीं जानेंगे, क्योंकि ये जितना भी सुख है भगवान, ये सब कुछ यहां छिपे हैं। सुख को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे पास है आत्मा, सत चित आनंदमय है, अज्ञान के कारण ढका हुआ है यह सुख या आनंद। इसे हृदय में खोजो जिज्ञासा के द्वारा। जिस व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा नहीं, यशा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो जिज्ञासा नहीं करता है, वह इस पृथ्वी पर बोझ है। और इतना ही नहीं, शास्त्र तो कहता है मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, वह दिखता है मनुष्य परंतु मनुष्य के रूप में पशु है पशु। महाभारत में लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणाम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम जिज्ञासा नहीं करते हैं, तो फिर हम मनुष्य क्या काम के, हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं। हम लोग खाते हैं पशु भी खाते हैं, हम लोग सोते हैं पशु भी सोते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च। हम लोग डरते हैं पशु भी डरते हैं, हम लोग शादी करते हैं बच्चे पैदा करते हैं पशु भी कर लेते हैं और हमसे बहुत बढ़िया करते हैं। अब मात्र आहार निद्रा भय और मैथुनी करना है मनुष्य जीवन प्राप्त करके, तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा? वेद व्यास जी महाभारत में लिखते हैं धर्मो ही एको अधिको विशेष। हम लोग मनुष्य तब माने जाएंगे जब जिज्ञासा करेंगे। अतः वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र में प्रथम मंत्र लिख दिया अथा तो, अथ माने इसलिए, देयरफॉर किस लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अतः सो देयरफॉर ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में जिज्ञासा करें। आज युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं सर्वधर्म, सभी प्रकार के धर्मों को जानने की। यद्यपि ये सारी बात वेद व्यास जी कृष्ण के द्वारा सुन रखी थी और युधिष्ठिर महाराज के मन में हो रहा था कि ये सब लोग मुझे उपदेश दे रहे हैं, सब लोग मेरे पास आकर एक ही बात कर रहे हैं, शोक मत करो शोक मत करो। हो सकता है ये सब लोग सच हैं और मैं ही गलत हूं। और पहले से बहुत प्रवचन सुन रखे थे लेकिन कन्फर्मेशन नहीं था। आचार्यगण लिखते हैं वेद और शास्त्र को समझने के लिए बार बार उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, बार बार उसे पढ़ना चाहिए। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्त धर्मों को जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं। सर्व धर्म विविध सया, सभी धर्मों को जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पास आए, कहा महाराज हम लोग ने आपको समझाने के लिए बहुत प्रयास किया परंतु हमारे द्वारा आप नहीं समझे,
आज बहुत पवित्र दिन है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या हुआ? महाराज आज कुरु वंश का सूर्य अस्त होने जा रहा है। इस भारत भूमि के महान योद्धा महाभागवत पितामह भीष्म अपना देह त्यागने जा रहे हैं। इतना सुनते युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा महाराज अब आपके इस शोक को संदेह को मात्र पितामह भीष्म ही दूर कर सकते हैं। सुद गोस्वामी कहते हैं इति भीत प्रजा दोहात सर्व धर्म विविच्छया ततो विनाशनम प्रागाद। पितामह भीष्म के मुख से उपदेश प्राप्त करने के लिए ततः बाद में उसी समय युधिष्ठिर महाराज कहां गए? विनाशनम प्रागाद। प्रागाद माने गए। विनाशनम का अर्थ होता है कुरुक्षेत्र नामक भूमि में। सुद गोस्वामी कुरुक्षेत्र भूमि को विनाशनम कह रहे हैं। विनाशनम माने विनाशनम, विनाश करने वाली भूमि। तुरंत मन में प्रश्न हो सकता है कि जिस कुरुक्षेत्र को भगवद गीता के प्रथम श्लोक में ही धृतराष्ट्र जी कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कहते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म क्षेत्र है और सुद गोस्वामी कुरुक्षेत्र की भूमि को विनाश क्षेत्र कह रहे हैं, विनाशनम। ये क्या झगड़ा लगा रखा है? तब आचार्य गण कहते हैं वास्तव में विनाशनम का अर्थ क्या होता है? यहां कुरुक्षेत्र को विनाशनम इसलिए कहा गया है क्योंकि विनाशनम का अर्थ है विशेषेण नश्यन्ति पापानी यत्र तद विनाशनम। जिस भूमि पर अपना कदम रखने से जीवन के सारे पाप का विनाश हो जाए उसे विनाशनम भूमि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि थी जहां प्रवेश करने पर सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवताओं ने यज्ञ किया था। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्री परशुराम जी ने 21 बार नक्षत्री करके समस्त क्षत्रियों का विध्वंस किया और यह भूमि को खून से बहा दी, खून की नदियां बहा दी। इस भूमि पर अनेकों यज्ञ हो चुके थे, अतः ये भूमि परम महिमामय थी। कौरव और पांडवों ने जब युद्ध तय किया तब युद्ध करने के लिए इस भूमि को चुना गया क्योंकि यह भूमि का यह प्रभाव था, यहां पर मरने वाला सीधा भगवान के धाम को प्राप्त करता था। तो विनाशनम प्रागात पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनने के लिए विनाशनम कुरुक्षेत्र की भूमि पर गए। मानो 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न पूछे कुरुक्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज भी आप जाओगे, हम लोग पिछले साल गए थे हमारे इस्कॉन मंदिर में जाने के लिए, हम लोग खो गए, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र तब पता चला। बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र है। मानो पूछे जाए कुरुक्षेत्र में कहां गए? सुद गोस्वामी कहते हैं यत्र देव व्रतो पतत, जहां देवव्रत पितामह भीष्म गिरे हुए थे, बाणों की सैया पर पितामह भीष्म जहां सोए हुए थे, उस स्थान पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज चले तो उनके पीछे अनेक लोग चले। इसका वर्णन करते हुए सुद गोस्वामी कहते हैं तदाते भ्रातर सर्वे, युधिष्ठिर महाराज के साथ उनके सभी भाई अर्जुन भीम नकुल सहदेव। और कैसे गए? सदश्वे स्वर्ण भूषिते, सत अश्वे, अश्वे माने घोड़े, अच्छे घोड़े जूते हुए थे। देखिए इतनी बड़ी ऋषि मुनियों की सभा में अब ये कहने की क्या आवश्यकता है कि ये लोग गाड़ी में गए थे कि मर्सिडीज में गए थे कि मोटरसाइकिल लेकर गए थे। भागवत में किसी भी वस्तु को कहने के पीछे कुछ सिद्धांत छिपा हुआ है।
प्रवचन सुनने जा रहे हैं तो कह रहे हैं किस प्रकार से गए, बोले चलकर नहीं गए, अपने रथ पर, और रथ कैसा था, सदस्य बहुत सुंदर घोड़े थे और स्वर्ण भूषी थे, घोड़े के ऊपर सोना लगा हुआ था। हमारा भारत भूतकाल में इतना महान था, हमारा भारत इतना ऐश्वर्यशाली था कि उन दिनों में पशुओं के ऊपर सोना चांदी लगा करता था। आज तो सोना मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो गया है। एक आधे तोले का चेन पहन लेता है, छोटा सा पतला सा, तो एक फुट ऊपर चलता है मैंने गले में। अरे पहले भारतवर्ष में घोड़े और हाथी के गले में किलो किलो का सोना लगाया जाता था, भागवत में वर्णन है। सद अश्व सोने के रथ पर सवार होकर गए। यहां पर बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित हुआ, प्रवचन सुनने जा रहे हैं तो चलकर जाए, गाड़ी में जाए, ट्रेन में जाए, मोटरसाइकिल में जाए, मर्सिडीज में जाए, या सोने की बड़ी हुई बनी हुई कार में जाए, यह कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। सिद्धांत यह है कि प्रवचन सुनने जाना चाहिए। कई बार लोग निंदा करते हैं कि ये कैसे साधु हैं, हमारे प्रभुपाद जी की बहुत लोग निंदा करते थे। प्रभुपाद जी जब फ्लाइट से जाते थे प्रचार करने के लिए, तो जो नेरो माइंडेड थे, छोटी बुद्धि वाले, वो कहते थे आप साधु होकर फ्लाइट में क्यों घूमते हो, साधु होकर विमान में क्यों चलते हो। प्रभुपाद जी शास्त्र की बात को बहुत सरल भाषा में कहते थे, इस संसार में लोग माया के पीछे इतना तेज गति से दौड़ रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए मुझे फ्लाइट में बैठना पड़ता है, तब जाकर वो लोग मेरे हाथ में आते हैं। क्योंकि सब लोग इतने तेज गति से चल रहे हैं, इतना तेज युग हो चुका है। अतः जो लोग माया में फंसे हुए हैं, उन माया में फंसे हुए लोगों को परास्त करने के लिए कुछ माया का सहारा लिया जाता है, तो ये दोष नहीं है। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। इस संसार में कुछ लोग फल्गु वैराग्य धारण कर लेते हैं, हम लोग कपड़े नहीं पहनेंगे, ये प्रथा आदिवासियों में है, ये प्रथा जंगल में है। शहरों में जहां सुसज्जन रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, हम लोग माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गला फाड़ के मर जाओ। ये बात ठीक थी, सुखदेव गोस्वामी जब बोलते थे तो माइक का इस्तेमाल नहीं करते थे, सुध गोस्वामी माइक का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि उनकी वाणी ही मेघ के समान होती थी। जैसे मेघ गरजता है तो उसको माइक की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया में उनकी आवाज सुनाई देती है। वैसे सुध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी बोलते थे तब लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कलयुग के बद्ध जीवों को बोलने के लिए आवश्यकता है। तो इस माया के बने हुए उपकरण को यदि भगवान की कथा में लगाया जाए तो ये शोर कंपनी का माइक है, ये शोर कंपनी वाला भी भगवान के धाम में पहुंच जाएगा यदि इस माइक को भगवान की सेवा में इस्तेमाल। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। हमें युक्त वैराग्य करना है, धीरे धीरे करके संसार के मोह माया से। सब लोग बहुत सुंदर सोने के रथ पर सवार होकर गए। अन्वगच्छन रथे विप्रा है ब्राह्मणों, बार बार संबोधन दे रहे हैं। ये विप्रा जो है, सुध गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधन दे रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार से आप नैमिषारण्य में कथा सुनने गए आए, उसी प्रकार वहां पर भी अनेक ऋषि मुनि कथा सुनने जा रहे हैं। अन्वगच्छन, अनेक लोग, अनेक अनुचर, व्यास धौम्य आदयस्तथा वेदव्यास धौम्य इत्यादि, ये समस्त ऋषि मुनि कथा सुनने जा रहे हैं। यहां तक भगवान अपि विप्र से, भगवान कृष्ण भी कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान सीधा अगले श्लोक में कहते हैं भगवान अपि, भगवान भी कथा सुनते हैं। भक्तों, यहां पर हमारे लिए एक बहुत सुंदर बात आ रही है कि इस जगत में जब हम भगवान के गुणगान गाने बैठे हैं
तब कभी कभी श्रोता सो भी जाते हैं, कभी कभी श्रोता कम आते हैं, कभी तो कोई नहीं आता है। चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान तो अवश्य आकर बैठ जाते हैं। सुध गोस्वामी श्लोक आपके सामने है, आप देख सकते हैं, भगवान अपि विप्रर्ष हे ब्राह्मणों, उस कथा को सुनने के लिए भगवान आ गए। और भक्तों जब हम कथा सुनते हैं ना, तो जितनी देर तक हम कथा सुनते हैं उतनी देर, उतना समय ही हमारे जीवन के काल में गिना नहीं जाता है। मान लो यदि किसी की उम्र 100 साल की है और यदि कोई व्यक्ति कथा सुन रहा है तो कथा सुनने का समय 100 साल में नहीं गिना जाएगा। कुछ लोग ज्यादा जीना चाहते हैं, कथा सुनो उम्र लंबी हो जाएगी। आप लोग कहेंगे प्रमाण, जब सूत गोस्वामी के मुख से 88,000 ऋषि मुनि कथा सुनना चाहते थे तो 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, प्रातरहुत सहस्त्रम सममासत, हे सुध गोस्वामी आप हमें 1,000 वर्ष तक भागवत कथा सुनाइए। सुध गोस्वामी ने कहा कलयुग आ गया है, 100 साल में सब लोग टपक जाओगे, सब मर जाओगे, 1,000 साल की क्या बात कर रहे हो। शौनक इत्यादि ऋषि मुनि ने कहा सुध गोस्वामी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस संसार में लोगों को मारने के लिए जो यमराज जी आते हैं ना, वो यमराज जी यहां कथा सुनने के लिए हमने बुला लिया है। यमराज जी हमारे बीच में बैठे हैं, वहां नरक में ताला लगा है। जितनी देर तक व्यक्ति कथा सुनता है उतनी देर तक यमराज जी का प्रभाव उस पर नहीं चलता है। अतः समस्त ऋषि मुनि साक्षात भगवान अपि विप्र से रथे न स धनंजय, लेकिन अब तक भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ थे। युधिष्ठिर महाराज को कहा महाराज आप चलिए, मैं अर्जुन के साथ आऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ, और भगवान कृष्ण ने रथ निकाला और कृष्ण खुद रथ चलाने लगे। अब बताइए ये युद्ध करने जाना था कि कृष्ण रथ चला रहे थे, वो जो एग्रीमेंट था वो तो खत्म हो गया था कि महाभारत के युद्ध में मैं रथ चलाऊंगा, अर्जुन तुम गांडीव चलाना, ये बात तो सब समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने रथ निकाला, कृष्ण रथ चला रहे हैं और धनंजय अर्जुन को रथ के पीछे बिठाए आसन पर। स्वाभाविक मन में प्रश्न उठ सकता है कि रथेन स धनंजय, कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में क्यों गए और कृष्ण खुद क्यों रथ चला रहे हैं। शिवाशिधर स्वामी और आचार्य अपना मंतव्य देते हैं, पितामह भीष्म को पार्थ सारथी रूप बहुत पसंद था। पितामह भीष्म पार्थ सारथी, आपने इस्कोन की भगवत गीता का दर्शन किया होगा, कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन धनुष लेकर गांडीव लेकर खड़े। पितामह भीष्म को यह दृश्य बहुत पसंद था, आगे भी बताएंगे अपनी स्तुति में। तो भगवान ने सोचा मेरा भक्त मुझे इस रूप में दर्शन करना चाहता है, इसलिए मैं पार्थ सारथी के रूप में ही उनके सामने प्रकट हो जाऊंगा। गीता का सिद्धांत ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसस्थेव भजाम्य। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो जिस भाव में, जो जिस रूप में मुझे देखना चाहता है, मैं उस भाव में, उस रूप में उनके सामने प्रकट हो जाता हूं। यदि कोई कृष्ण को अपना पति मानना चाहते हैं, पति बनाना चाहते हैं, कृष्ण उनके सामने 16 वर्ष के युवक उनके पति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कुछ लोग कृष्ण को अपना मित्र मानना चाहते हैं तो कृष्ण उनके साथ मित्र बनकर खेलने लगते हैं, और कुछ लोग कृष्ण को अपना पुत्र मानना चाहते हैं, वात्सल्य भाव का आस्वादन करना चाहते हैं, तो कृष्ण उनके सामने छोटे से लड्डू गोपाल बनकर प्रकट हो जाते हैं, वात्सल्य भाव का आस्वादन। ये यथा माम भगवान ने दिखा दिया, जो भक्त जिस भाव में मेरा दर्शन करना चाहता है मैं उस भाव में दर्शन देता हूं। अथ रथेन स धनंजय स ते व्यति रोचत नृप कुबेर इव गुह्य के। उस समय कृष्ण के साथ, युधिष्ठिर महाराज के साथ अनेकों ऋषि मुनि, उनके भाई, बहुत सारे लोग थे। सुध गोस्वामी कहते हैं कि कथा सुनने जाते समय मानो युधिष्ठिर महाराज वैसे ही लग रहे थे जैसे यक्षों के साथ, यक्षों के बीच में कुबेर जी।
कुबेर जी जो धन के धनाढ्य देवता है, वे जब चलते हैं तो यक्षों के साथ चलते हैं, अपने पूरे पक्ष को लेकर चलते हैं। तो यक्षों के साथ कुबेर जी जब चलते हैं और जितने सुंदर लगते हैं, उतने ही युधिष्ठिर महाराज अपने अनुचरों के साथ सुंदर लग रहे थे। कोई यके बोले कुबेर जी की तरह सुंदर लग रहे थे। आचार्यगण और एक सिद्धांत दे रहे हैं कि जो लोग भगवान की कथा सुनने जाते हैं ना, वो लोग बहुत सुंदर लगते हैं। कथा सुनने वाला बहुत सुंदर लगता है, भगवान उसे बहुत पसंद करते हैं। और जो कथा नहीं सुनता है, भगवान उसे पसंद नहीं करते। रामायण में की एक छोटी सी घटना है। गोस्वामी जी जब रामायण का प्रारंभ करते हैं तो लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, संग सती जग जननी भवानी। शिवजी ही कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने गए तो उनके साथ कौन था? बोले सती, संग सती। परंतु कथा सुनकर जब लौट रहे थे तो कहते हैं दक्ष कुमारी, शिवजी के साथ दक्ष कुमारी दोनों अपने घर की ओर लौट रहे हैं। ये भाव क्यों बदल गया? भाव इसलिए बदल गया कि जब सती राम कथा सुन रही थी तब उनको नींद आ गई, कथा में आनंद नहीं आया, और सती ने पतिदेव को कहा चलो अब घर पर जाना है। गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा, बोले कथा सुनने आ रही थी तो सती लग रही थी, सती माने तेजस्वी स्त्री, परंतु अब कथा सुनने की इच्छा नहीं है, कथा से अरुचि हो गई है, इसलिए ये सती नहीं, ये अपने बाप की तरह ही दक्ष कुमारी। जैसे दक्ष प्रजापति अहंकारी अभिमानी था, कथा सुनने वाला बहुत सुंदर लगता है। युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर लग रहे थे, और आचार्य ग्रहण अपनी टीका में लिखते हैं कि यक्ष के साथ कुबेर जी ये दृष्टांत ही क्यों दिया? सिद्धांत ये है भक्तों, यदि किसी के पास कुबेर जी जितना भी धन क्यों न हो, कुबेर जी जितना भी धन क्यों न हो, आज युधिष्ठिर महाराज के पास क्या नहीं है? पूरी दुनिया के राजा हो गए हैं, लेकिन फिर भी दुखी। सिद्धांत बता रहे हैं कि संसार में धन सुख का कारण नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें धन मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे, परंतु धन सुख नहीं दे सकता है। संपत्ति, गाड़ी, बंगला सुख नहीं दे सकते हैं। इस संसार में यदि सुख चाहिए तो सुख मात्र भगवान की भक्ति में है, और भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान की कथा। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसे कथा कहते हैं, कितना सुख है। और भगवान का नाम, ब्रज के संत ने बहुत सुंदर कहा, वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। बोले जो आनंद भगवान के धाम में है, गोलोक वृंदावन में है, वो आनंद मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है। पांच प्रकार की मुक्ति, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी। और जो सुंदरता भगवान श्री कृष्ण में है, वह सुंदरता संसार की किसी वस्तु में नहीं। कहते हैं वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमेन सरोज सुदारस में जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहां जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख कृष्ण के नाम में है उतना सुख और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज समेत अनेक ऋषि मुनि भगवत कथा सुनने जा रहे हैं, तो अब इनको कथा सुनने जाने दीजिए। कल पितामह भीष्म के मुख से बहुत सुंदर उपदेश प्रारंभ हो गए। आप इतना ही सुनिए कि पितामह भीष्म के मुख से अभी उपदेश प्रारंभ नहीं हुए हैं, केवल ये लोग जा रहे हैं तब कथा में इतना आनंद और इतना रस आ रहा है। जब पितामह भीष्म अपना मुख खोलेंगे, अद्भुत, भारतवर्ष के
एक चक्रवर्ती सम्राट योद्धा जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, जिनकी भीषण प्रतिज्ञा थी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, भगवान के महान भक्त महाभागवत पितामह भीष्म कल अपने मुख से दिव्य उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। कल पितामह भीष्म के मुख से उपदेश प्रारंभ, और पितामह भीष्म भगवान को आज्ञा दे देंगे। आज तक किसी ने भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा देने का, आदेश देने का साहस नहीं किया, लेकिन पितामह भीष्म भगवान को आदेश देंगे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे देवताओं की भी देव कृष्ण आप यहीं पर खड़े रहिए, और जब तक मैं मेरा कलेवर मैं मेरा शरीर त्याग न दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले हैं। ये कल पितामह भीष्म कहेंगे। बहुत सुंदर स्तुति पितामह भीष्म के द्वारा उपदेश। आप सब आइए, कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। और आज हमारा परम सौभाग्य है प्रवीणा माता जी हमारे बीच में हैं। आइए उनका स्वागत महामंत्र के साथ करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।